प्यारे छात्राओं छात्राओं, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम त्रुटियों की अभिव्यक्ति के विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं, अभिव्यक्ति के आधार पर त्रुटियों को निम्नलिखित तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। नंबर दो, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि, रिलेटिव और फंक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। नंबर थर्ड है वर्ग माध्यमूल त्रुटि, रूट मीन स्क्वायर एरर। पहला पॉइंट हमारा निरपेक्ष त्रुटि, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ज्ञात ना हो, तब उस राशि के अनेक प्रेक्षित मान के समांतर माध्य को ही उस भौतिक राशि का वास्तविक मान मान लेते हैं। सही मान हमें मालूम नहीं, कई मान हमने निकाल लिए और सबको जोड़ा और सबका औसत निकाल लिया, जिसे औसत कहते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। यदि भौतिक राशि ए की एन माप लेने पर प्रेक्षित मान क्रमशः A1, A2, A3, AN तक हो जाए, तब भौतिक राशि का वास्तविक अथवा माध्य मान क्या हो जाएगा? A माध्य, A के नीचे माध्य लिख दिया हमने, मीन है, इसको AM से डिनोटेड कर दें, डिनोट कर दें A स्मॉल AM। तो अब सारे A1, A2, A3, A4 सबको जोड़ लेंगे AN तक। अब कितनी संख्या है टोटल, जो परिणाम है हमारे पास कितने N, उनसे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN अपॉन N। विभिन्न प्रेक्षित मानों में निरपेक्ष त्रुटियां, अब जैसे हमें डेल्टा A1 निकालना, मापांक में, मापांक का मतलब ये कि कोई भी संख्या इसमें माइनस में आए, प्लस में आए, प्लस मानी जाएगी। तो जैसे हमारा पहला है डेल्टा मापांक, डेल्टा A1 मॉड कहेंगे, मापांक कह दें, बराबर मापांक AM माइनस A1, यानी जो मीन आया हमारे पास, मीन वैल्यू AM निकल के आई है, हमने औसत निकाला था, उसमें से पहले को घटा देंगे। इसी प्रकार से डेल्टा A2 निकालेंगे तो AM माइनस A2 कर देंगे। फिर ऐसे डेल्टा A3 निकालेंगे तो उसमें भी AM माइनस A3 डॉट डॉट करके, और AN निकालेंगे तो AM माइनस AN। भौतिक राशि के वास्तविक मान, माध्यमान तथा प्रेक्षित मान का अंतर कुछ प्रकरणों में धनात्मक हो सकता है, जबकि कुछ प्रकरणों में, दूसरे प्रकरणों में ऋणात्मक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए सदैव धनात्मक होती है। मैंने बताया कि मापांक के अंदर जो आएगी उसका मान सदैव धनात्मक आएगा। माध्य निरपेक्ष त्रुटि किसी भौतिक राशि के माध्य मापन में विभिन्न प्रेक्षणों में या प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिणामों का या परिमाणों का परिणाम परिमाणों का समांतर माध्य भौतिक राशि का मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है। यानी सारे हमने जो परिमाण निकाल लिए निरपेक्ष वाले और उनको जोड़ लें, उसको एन से डिवाइड कर दें, तब जो आएगा वो क्या आ जाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। जैसे हमने नीचे दिखाया कि भौतिक राशि ए के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटियां डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड प्लस डेल्टा A3 मॉड डॉट डॉट और डेल्टा AN मॉड, और यहाँ लिख देंगे हम डेल्टा ए बार माध्य या डेल्टा AM, A बार M, क्योंकि हम औसत निकालना है, बार लगा दिया हमने, समांतर माध्यम निकाला करते थे हाई स्कूल में, तो वहां पर एक्स बार लिख देते हैं, ऐसे इसमें ए बार लिख दिया हमने, तो अभी आ जाएगा A1 अपॉन N, बाहर निकाल दिया ये, और इसमें लेंगे समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n, i बराबर 1 से लेके n तक, और मॉड डेल्टा AI, ये इसका सूत्र आ गया। यदि भौतिक राशि a की कोई एकल माप लें तो इसका मान am प्लस माइनस डेल्टा am के परिसर में, अर्थात am प्लस डेल्टा AM तथा AM माइनस डेल्टा AM के बीच होगा, इन दोनों राशियों का मान। आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि,
किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा भौतिक राशि के वास्तविक मान का अनुपात आपेक्षिक अथवा निभिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा ए हम लिखें तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान। अब माध्य निरपेक्ष त्रुटि हमने डेल्टा ए बार एम और माध्यमान हमने पहले भी निकाला था ए एम, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका आपेक्षिक भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगी। यदि आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तब इसे भौतिक राशि को के मापन में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्या कराएगा, भौतिक राशि ए के मापन में प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी डेल्टा बार डेल्टा ए एम बार बटे डेल्टा एम गुणा 100, तो ये प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। तीसरा था वर्ग माध्य मूल त्रुटि, किसी भौतिक राशि के मापन में ली गई अनेक मापनों में त्रुटियां धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु उनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। कोई भी राशि ले लें हम तो उसका जब हम वर्ग करेंगे चाहे ऋणात्मक हो या धनात्मक हो वो सदैव धनात्मक हो जाता है। मापन में ली गई सभी माप की आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटियों के वर्ग के औसत, सबका वर्ग करें उनका औसत यानी माध्य निकाल लें जोड़ करके के वर्गमूल को, उसका वर्गमूल ले लें, वर्ग माध्य मूल त्रुटि या मानक विचलन कहते हैं। आपने मानक विचलन पढ़ा होगा हाई स्कूल में, तो संभवतः अब कोर्स में नहीं है, पहले था। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, वर्ग माध्य मूल त्रुटि सिग्मा इजिकल टू डेल्टा ए वन का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा ए टू का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा ए थ्री का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डेल्टा ए एन का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बटे एन, या हम अंडर रूट के अंदर लिखते हैं 1/n समेशन आई इजिकल टू 1 to n और डेल्टा ए आई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम वर्ग माध्य मूल त्रुटि निकाल सकते हैं। तो आज हमने तीन प्रकार की त्रुटियों के विषय में आपको बताया, इसको आप कॉपी पर नोट करें और आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।